कि इसको फांसी लगा दो फांसी लगा दो, नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा होना चाहिए ना। नहीं नहीं ऐसा नहीं, सिस्टम कराप्ट हो जाएगा। नहीं नहीं, प्रोसेस इतना लंबा क्यों है हुड्डा जी? सभी जगह इतना लंबा क्यों है? देखिए आप एक तरफ तो कहते हैं कि प्रोसेस इतना लंबा क्यों, और एक तरफ कहते हैं पुलिस काम क्यों। एक तरफ कहते हैं कि पुलिस ने, मैं कोई आदमी गया और पुलिस ने उसको डंडे मारे, FIR दर्ज करी और कह रहे बोली जी आदमी ने बोलता उसको अंदर दे दिया और कोर्ट ने उसको सजा कर दिया। एक तो कहते हैं इतनी स्पीड, और फिर एक तरफ कहते हैं कि ना न्याय मिलना चाहिए। अगर राजीव गांधी के हथियारों को 20 साल बाद चालान पेश किया गया, ये क्या बात है? ऐसे नहीं है कि आप एक प्रोसेस है, किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। प्रोसेस धीमा नहीं है, मानिए चाहे ना मानिए, प्रोसेस बहुत धीमा है, बहुत जरूरत है प्रोसेस को आगे लेकर आने की। डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोकतंत्र है, नाम की डेमोक्रेटिक कंट्री है, माफ कीजिए, लोकतांत्रिक देश नाम का रह चुका है। जो आप बोल रहे हैं उसमें तो तानाशाही करनी पड़ेगी। नहीं हम नहीं बोल रहे, ये भारत की आम जनता की आवाज है। नहीं नहीं, आप आदमी क्राइम करा, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, कोर्ट ने कहा चलो। क्राइम पे डिपेंड करता है लोकेंद्र जी, डिपेंड करता है क्राइम कैसा है। आतंकवाद एक छोटा क्राइम नहीं है, उस व्यक्ति ने आतंकवाद एक ऐसा विषय है, अंतरराष्ट्रीय विषय है, और जहां तक हमारे देश की बात है, इसके अंदर हमारा पुलिस छोड़िए, प्रशासन छोड़िए, सरकार हर और पार्टी क्या गैर मतलब विपक्ष पक्ष सभी इसमें एकजुट हैं, और उसके लिए कड़े कदम उठाए जाते रहे। अमेरिका में भी आतंकवादी हमला हुआ था ना, हुआ था उसके बाद ट्विन टावर पर जब वो हमला किया गया, उसके बाद से आज तक अमेरिका को और इंडिया को कंपेयर मत करो। आप, हम इंडिया के नागरिक हैं, भारत के नागरिक हैं, लेकिन अच्छी चीजें तो सीखने को मिलती है ना। मुझे आपसे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मैं जरूर लूंगी। नहीं नहीं, इसके ऊपर टाइम टू टाइम काम होता है। आप अमेरिका को और इंडिया को कंपेयर मत कीजिए। हमारे कानूनों को भी, हम ये नहीं कह रहे कि उनके जैसे कानून बनाए जाए, हमारे कानूनों को भी तो देखिए कि हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है, इसकी जो ग्रोथ हुई है, आप अमेरिकन कंपैरिजन में देखिए, हमारे हम ज्यादा आगे उनसे बढ़े हैं। हमें अच्छा लगता है, हम आगे बढ़े हैं वहाँ पर अमेरिका को। आप क्राइम की बात करें, क्राइम ऐसी बात नहीं है। आपके हिसाब से तो ये है कि हर दूसरे घर में तो क्राइम है, हर तीसरे मोड़ के ऊपर तो चोरी होती है, हर चौथे केस के अंदर पुलिस है। नहीं ऐसा नहीं, जबान से ऐसा कैसे कह सकते हैं लोकेंद्र जी, हमने तो ऐसा कहा ही नहीं। मैं कह रहा हूँ कि क्राइम है, परंतु क्राइम के ऊपर कंट्रोल भी करती है और टाइम टू टाइम। चलिए छोड़िए, ये किस्सा मैं छोड़ देती हूँ। अब मैं बात करती हूँ रेप केसेस की, जो कितने ज्यादा मतलब कि हर दूसरे दिन एक चीज निकल कर आती है, कोई ना कोई नया रेप केस, चाहे वो गैंग रेप की बात हो, चाहे कोई वो बच्चियों के साथ बलात्कार की बात हो, चाहे वो किसी भी कोई भी उम्र की, सिर्फ एक नाम औरत जिसके साथ भी क्राइम किया जाता है, उसके लिए भी क्यों कानून सख्त नहीं बनाए जाते? देखिए कानून ये एक सामाजिक कृति है, और फिर मैं दोबारा कहूंगा सामाजिक जागरूकता से ही चीजें खत्म हो सकती हैं। हाँ, ये समाज के ऊपर, हमारे समाज में कलंक है, आप रेप जो कह रहे हैं बिल्कुल कलंक है, कुछ ऐसे कानून बनाए जाए ना, एग्जाम्पलरी वो चीजें निकल कर आए कि लोग डरे इन चीजों से। कानून सख्त है, कानून सख्त है, परंतु आप ये, मैं कहूँ कि एक ही दिन में क्राइम इस रेप केस बढ़ गए, एक ही दिन में कंट्रोल गए, ऐसा नहीं होता, समय लगता, धीरे धीरे चीजें चलेंगी। शुक्रिया, कहिए। मैं जो आपने ये रेप की चर्चा की, कोई भी जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध जिसको हम कहते हैं क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है और हम लोगों की प्रायोरिटी में बहुत ऊपर है। हम लोग इस बात पे खास ध्यान दे रहे हैं कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध, जैसे कि हम लोग कहते हैं छेड़खानी करना और दहेज के लिए तंग करना या दहेज के लिए हत्या हो जाना या रेप होना, इन सभी में एक तो ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि कानून बहुत सख्त है। जो दहेज हत्या के मामले हैं 304 IPC में, उसमें कानून को चेंज करके बनाया गया था जो बहुत सख्त है। रेप 376 IPC का जो केस है वो बहुत सख्त है, और उन सभी में जो महिला जो पीड़ित है वो जो कह रही है उसी को सबसे ज़्यादा महत्ता दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है कोर्ट के द्वारा भी और पुलिस के द्वारा भी। इसमें एक तो हम लोगों को ये बताने की, ये हमारी हम पुलिस की भी, प्रशासन की भी, और हम सभी लोगों की, जो भी लोग इस शहर में, इस जिले में, इस प्रदेश में रहते हैं, कि महिलाओं के मन में ये कॉन्फिडेंस पैदा करना कि जब वो अपने कॉलेज जा रहे हैं या अपने ट्यूशन पढ़ने जा रहे हैं, सड़क पे जा रहे हैं, तो उन्हें किसी प्रकार का परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और उनमें ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि अगर कोई गड़बड़ करने की कोशिश करता है तो जब वो आगे किसी को बताएंगे तो उस पर कार्रवाई होगी। ये है हमारा चैलेंज, बेसिकली आपका चैलेंज ये है, और हम चाहेंगे कि इस चीज़ में सुधार हो, लेकिन प्रशासन की भी कहीं ना कहीं इस चीज़ में कमी निकल ही आती है। गुड़गांव में अभी हम हाल ही की बात करेंगे, तो शायद मैं थोड़ा सा याद कराऊंगी तो आपके ताज़ा हो जाएगा।
ना। गुड़गांव में अभी एक गैंग रेप हुआ, 6 लोगों ने मिलकर एक लड़की के साथ जो पब में नौकरी करती थी, लेट नाइट उसकी शिफ्ट खत्म हुई, वो उतर कर आ रही थी अपने भाई के साथ, वो टैक्सी में जा रही थी और वहां पर 6 लड़कों ने उसे जबरदस्ती एक अपनी मारुति में बिठाया और सभी 6 के 6 लड़के वो मदीना गांव के थे, रोहतक डिस्ट्रिक्ट के थे और वहां पर उसको बिठा कर ले गए। और उसके बाद उसके भाई ने एक कंप्लेंट भी की, वहां शायद PCR खड़ी थी और उसको बोला भी गया कि ऐसे हो रहा है और उन्होंने थोड़ा सा पता लगाया। उन लड़कों ने बोला कि नहीं नहीं हम तो इसे जानते हैं, हम इसको वैसे ही उसको घर तक ड्रॉप करने जा रहे हैं। उसको फ्लैट में लेकर जाया गया, उसके साथ गैंग रेप किया गया, कहां कमी है? हाँ, इसमें तो ये जो ये घटना हुई है इसके बारे में मीडिया में भी खूब आया है और इसमें जो जांच के बाद ये आया है कि अगर पुलिस कर्मियों की लापरवाही थी वो शायद ज़्यादा क्विकली रिएक्ट करते तो इस घटना को रोका जा सकता था। उसमें कोई किसी प्रकार का कोई डिफेंस नहीं उनके लिए दिया जा सकता, जिन्होंने लापरवाही की उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा उन्हें मिलनी चाहिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं एक व्यक्तिगत आपका विचार जानना चाहूँ। देखिए, रेप एक ऐसा शब्द है, बलात्कार एक ऐसा शब्द है कि सुन के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कि तो आपसे व्यक्तिगत में आप भूल जाइए कि आप IG हैं, एक आप इंसान हैं, व्यक्तिगत में आपका एक विचार जानना चाहूं कि क्या आप चाहेंगे कि रेप की जो सजा है सजाए मौत होनी चाहिए? नहीं, ये मैं इस बारे में कोई ऐसी ओपिनियन नहीं दूंगा। देखिए, जो कानून है और सोसाइटी दोनों ही चीज़ों के बारे में समझने की ज़रूरत है कि ये दोनों चीज़ें स्टैटिक नहीं हैं, स्थिर नहीं है। जैसे जैसे सोसाइटी में चेंजेस आते हैं वैसे वैसे कानूनों में भी चेंज आते हैं। तो अगर इस देश का के लोग ये चाहेंगे कि भाई रेप इतना जघन्य अपराध है कि उसमें अपराधी को मौत की सज़ा मिलनी चाहिए, तो वो एक प्रोसेस है, एक आदमी के कहने से नहीं होगा, ना हम 4 लोगों के कहने से होगा। ये तो एक प्रोसेस है जिसमें डेमोक्रेसी है हमारे देश में, मेजोरिटी व्यू ये बने कि भाई इस क्राइम को रोकने के लिए हमें इसकी सजा को बढ़ा के मौत की सजा करने के, तो वो हो जाएगा, वो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो रेप होने के लिए जैसे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं, वर्किंग वेमेन की संख्या बहुत बढ़ती जा रही है और सभी सभी आवर्स में वो काम कर रही है, तो ये सोसाइटी की, पुलिस की, प्रशासन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस तरीके का माहौल दें जिसमें कि किसी को ये ना लगे कि भाई हम अब इस समय ड्यूटी करके बाहर निकल रहे हैं तो हम असुरक्षित हैं। तो इस बात को सबसे पहले तो यह है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, इसको हमने मानना है पहले। तो जब मैं किसी बात को ये मान लूंगा कि ये मेरी जिम्मेदारी है, फिर मैं उस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा और फिर मैं उसमें अगर मेरी कोई कमी रहती है तो मैं उसको सुधारूंगा और अगर मैं उसको नहीं कर सकता तो मेरी जगह कोई और करेगा उसको। लेकिन इस बारे में बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए कि भाई ये हमारी जिम्मेदारी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये आज कोई नया फिनोमेनन हुआ है, ये हमारी कंट्री में बहुत समय से है, इसके बहुत सारे कारण हैं, उसके लिए एक अलग आपको गोष्ठी करनी पड़ेगी। बढ़ता चला जा रहा है, ये एक चिंता का सबब जरूर है क्योंकि अगर हम केवल गुड़गांव की भी बात करेंगे तो क्राइम की स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से हो सकता है कि फर्क हो, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो बाकी उससे पहले क्या हो रहा था वो सारी चीजें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। हम ये कहें कि नहीं पिछली बार 4 हुए थे इस बार 3 हुए केसेस, तो वो चीजें बहुत मायने नहीं रखती हैं। कुछ इंसिडेंट्स ऐसी होती हैं जो पब्लिक मेमोरी में बैठ जाती हैं और वो उसी हिसाब से ये जजमेंट करते हैं कि कहीं पर लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है कि नहीं। ये बात की तो वही 30,000 से ज्यादा महिलाएं हैं जो कॉल सेंटर्स में काम करती हैं, नाइट शिफ्ट्स में काम करती हैं, तो उनकी सुरक्षा की भी कहीं ना कहीं डर तो लगेगा ना कि हमें भी सड़क पर निकल कर जाना है। तो शायद प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से कुछ ऐसी पॉलिसीज आनी चाहिए, कुछ ऐसे लॉज बनने चाहिए ताकि वो सुरक्षा महसूस। लॉ तो बनने ही चाहिए, साथ ही साथ जो अभी जो लॉ वो बनना तो एक ऐसा प्रोसेस है कि बिल्कुल आज नहीं कि आज आपने डिसाइड किया और कल बन जाएगा, लेकिन अभी जो कानून बने हुए हैं उन्हीं के अंतर्गत हम लोगों को और सचेत होने की, सजग होने की जरूरत है। और जहां पे भी सिस्टम में लूप होल्स हैं, जैसे कि अगर कोई ऐसी सड़क है जहां पे कि देर रात तक लोग एक्टिव रहते हैं, वहां पे पब्स हैं, बार्स हैं, तो वहां पर पुलिस प्रेजेंट इंट्रोड्यूस की है, उनको एक एक वुमेन हेल्पलाइन का नंबर दिया है और हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको वुमेन के जो स्कूल्स या कॉलेजेस हैं उनके आसपास खड़ा रखें और उनको हमने कहा है कि भाई इस नंबर को ज्यादा से ज्यादा आप वो पॉपुलर बनाइए जिससे कि लोग फोन करके बताएं तो कम से कम हम रिएक्ट करें। तो वही मैं कहता हूं कि अगर जैसे वुमेन PCR खड़ी होती है तो मैंने देखा कि कुछ लोगों ने मुझे बताया कि दे फील बेटर, दे फील मोर कॉन्फिडेंट। उन्हें अच्छा लगता है कि अभी कोई भी क्राइम है, शायद हो सकता है कि अगर वो कोई जेंट्स खड़ा है उसको अगर ना बता पाए, एक जो वुमेन PCR है उसको जाकर वो बता सकते हैं। जी बिल्कुल, यहाँ पर हमारी सरकार की पीठ थपथपाने की जरूरत जरूर है। इसके बाद सिर्फ आखिरी सवाल के लिए मैं आपके पास आती हूँ। हम बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर की, हम बात कर रहे थे कि कोर्ट में जाकर केस ज्यादा लटक क्यों जाते हैं। क्या उसमें लटकने का एक कारण ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के खुद के इंटरेस्ट भी बीच में होते हैं कि उस कारण से, अगर हम जैसिका कांड ले सकते हैं इसमें, हम अगर एग्जाम्पल अगर आप चाहें मैं आपको दे सकती हूँ इसी चीज का।
देखिए पॉलिटिकल पार्टीज का कोर्ट्स पे कोई इंटरफेरेंस नहीं है, ये मैं कह सकता हूँ, हरियाणा का कह सकता हूँ, बाकी मुझे पता नहीं। जी 40 साल से मैं पॉलिटिक्स में हूँ, सरकार में भी रह चुका हूँ, तो ये एक प्रोसेस है। एक आरोपी है, उसको कोर्ट पूरा अपॉर्चुनिटी देती है कि वो अपना पक्ष सही ढंग से रख सके। उसमें लंबा केस हो जाता है, हाँ, वो उसमें लेकिन, लंबा हो जाता लेकिन, लेकिन लेकिन उसमें मैं समझता हूँ कि हमारी कोर्ट बिल्कुल निष्पक्ष है और उन पे किसी प्रकार का कोई पॉलिटिकल प्रेशर। बिल्कुल सिमिलर सवाल आपसे पूछती हूँ मनीष जी, क्या पॉलिटिकल पार्टीज का कोर्ट में कोई इंटरफेरेंस नहीं होता जिसके कारण केस लटकते हैं? साक्षी जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने बलात्कार की बात की, भ्रष्टाचार की बात की, कानून की बात की और कोर्टों में दखलंदाजी की बात की, मैं पूरे इस राजनीतिक घटनाक्रम में प्रदेश के बताना चाहता हूँ, ये जितने कांड हुए हैं राजनीतिक जो प्रशासन पे पकड़ होनी चाहिए पूरे प्रदेश में वही है। बेशक कानून आप बना लो कितना सख्त, अफजल गुरु का आपका उदाहरण खुद आपने कहा, उसको सजाए हो चुकी है, उसके बाद सजा नहीं दे रहे। हाँ, सजा नहीं दे रहे, बिल्कुल। बलात्कार के केस हो रहे हैं, अब कह रहे हैं 10 बजे बाद वो लड़की ड्यूटी पे नहीं जाए, ये कैसा स्टेट है, ये कैसी सरकार है, ये सफल सरकार बताते हैं, देश है जी, ये कैसा। मैं ये कहना चाहता हूँ कानून सख्त कुछ बना लो, जब तक इच्छा शक्ति जो काम करने वाला प्रदेश में कोई भी हो, जब तक ना हो, वो जब तक उसकी इच्छा नहीं हो वो काम नहीं हो सकता। इसलिए बलात्कार भी बढ़ेंगे, मर्डर भी बढ़ेगा। हम चाहेंगे 20 सेकंड में आप अपनी बात कहें। साक्षी जी आपने कहा कि आपका सवाल था कि कोर्ट पे राजनीतिक दबाव कितना है, कोर्ट बड़ी इंडिपेंडेंट बॉडी है, शायद पुलिस महकमे पे ये बात ना लागू होती हो, परंतु कोर्ट एक ऐसा है कि इस पे किसी भी तरह का, और मैं हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान में कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है। ये चीज थोड़ी नहीं 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 जैसिका हत्याकांड में भी नहीं पॉलिटिकल, आप अभी बात हो रही थी उड़ा साहब ने कहा अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जैसिका हत्याकांड में जो हुआ अगर किसी कोर्ट ने उसको सजा किया किसी ने बरी किया, एक प्रोसेस के थ्रू हुआ, ऐसा नहीं कि एक दिन कोर्ट ने कह दिया और एक दिन छोड़ दिया। राजनीतिक दबाव कोर्ट के ऊपर न्यायालयों में किसी प्रकार का नहीं है, वो इंडिपेंडेंट है। सवालिया चिन्ह तभी बन जाते हैं जब समय थोड़ा सा ज्यादा लग जाता है, केसेस जब लटक जाते हैं तो आम जनता में रोष पैदा होना एक स्वाभाविक है। माफ कीजिए आपको मेरी अगर स्टेटमेंट से कुछ दिक्कत हो रही हो तो, लेकिन ये कि स्वाभाविक है, हम आम जनता की बात कर रहे हैं। आप चारों स्टूडियो में आए हैं, आपने हमारा चर्चा में साथ दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमने बात की आज की इंक्रीजिंग क्राइम रेट, क्यों बढ़ रहा है अपराध की दर, तो इसमें बहुत से कारण है, कारण शायद सभी जानते हैं और इसके सुझाव भी हमारे जो गेस्ट थे उन्होंने दिए, हमारे पैनल ने हमें सुझाव भी दिए, कहां है पुलिस की कमियां, क्या क्या है राजनेताओं की कमियां, ये सभी चीजें आज के डिबेट में शायद हो चुकी हैं क्लियर। लेकिन एक जरूरत जब आन पड़ती है वो ये है कि सोसाइटी को कहां आगे आने की जरूरत है। ये ऐसी बुराइयां हैं जिन्हें जब तक हम मिलकर नहीं हटाएंगे, जब तक हम सब नहीं चाहेंगे कि ये चीजें हटे, तब तक वो हटेंगे भी नहीं, क्योंकि अपराध करने वाले भी हम हैं, अपराध हो भी हम ही पे रहा है, अपराध को रोकने वाले भी हम हैं, कानून बनाने वाले भी हम हैं, कानूनों को आगे लेकर जाने वाले भी हम हैं। तो कोशिश कीजिए कि मैं और तू को छोड़कर हम पर उतर आइए और कोशिश कीजिए कि इस सारे अपराधों को खत्म कर दीजिए। अंत में साक्षी को दीजिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर होगी मुलाकात इसी कार्यक्रम में जिसका नाम है इशू टुनाइट। नमस्कार। जिंदगी के उतार चढ़ाव के अनोखे रंग और उनसे जुड़े उतने ही मुद्दे, चाहे वो हो शिक्षा, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य, राजनीति, अपराध, महिला सुरक्षा, भ्रूण हत्या, किसान और कृषि, पर्यावरण, खेल और ना जाने कितने मुद्दे, इन सभी और अनेकों मुद्दों पर हम करेंगे परिचर्चा SUN न्यूज के खास कार्यक्रम इशू टुनाइट में। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन SUN न्यूज। क्यों बढ़ रही है देश में महंगाई, क्यों घट रहा है लिंग अनुपात, शिक्षा का बदलता स्वरूप, क्यों बढ़ रहा है भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य के प्रति आप कितने हैं सचेत, राजनेताओं की रणनीतियाँ, अपराध जगत पर पैनी नजर, क्यों है महिलाएं असुरक्षित, देश में क्यों हो रही है भ्रूण हत्याएं, किसान कैसे बढ़ाएं कृषि उत्पादन, कैसे बनाएं पर्यावरण को सुरक्षित, खेल जगत से जुड़ी समस्याएं और अन्य संबंधित मुद्दों पर करेंगे बातचीत। देखते रहिए इशू टुनाइट SUN न्यूज पर साक्षी अरोड़ा के साथ। इशू टुनाइट एट 9 ऑन सैटरडेज एंड संडेज ओनली ऑन SUN न्यूज।